नहीं मिला है। क्या अत्याचार करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, चोरी हत्या पाप करने के लिए? हमारे नौजवान भाई आप लोग भी बैठे जरा गौर करेंगे तो आप लोगों को एक सीख जरूर मिलेगी। और निकल जाए सेवा हो सके के तो मालिक ना रोक पौलन। अब उमरियो ना रह लिया गए उजाला में कौन इतनी बड़ी शक्ति बाकी जो ना प्रोल के यहाँ से जाए से रोक ले। लेकिन हम बताई ला की आधी रात के वह जाला लो बात पे गौर करेंगे बाबू। ए माना तुम बच्चा, ए माँ, माँ का जो गर्भ होता है एक अंधा कुआ होता है। अच्छा भाई, सब तो नौजवान भाई जाते ठीक लगे थे, ये बड़ो लोग का करे जाते लोग जाते पतो जगह रखा थे। अच्छा बात यहाँ से हो, क्या करवा अब तक कर लो ना चल गए। ये लोग परिवार के सदस्य मैं ना उनके भी टेंशन रहेगा, बोर पुरानिया घर का टाटी यार होलन। ऐसे कह लेगा की आज भी पुरान चीजन का महत्व बा, जैसे 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 पुरान चावल, पुरान गुड़, पुरान दारू, पुरान में हरारो, एक मतलब मेहनत कम लगे। मेरे भैया तुसे के बतौलस रे, एक बाबू ऐसे बतौले हो। सही बात मान बोर पुरानिया घर का टाटी आ रहे हम, जो ने घर में बुढ़ पुरैया ना वो परिवार बिगड़ जाला। ये जो तुम क्या भैया और सब क्या चिन्हाई आप लोग क्षेत्र कर लो पहचान जी में हम तो दूर के बनी जहाँ साझी को है लाइन लगा वालो। एक माँ का जो गर्भ होता है बाबू एक अंधा कुआ होता है। सभी लोग एक माँ के तन से ही पैदा हुए, लेकिन जब पैदा होता है बच्चा तो एक आवाज आती है जिस आवाज को सब भाई सुनते हैं लेकिन विचार बड़े कम लोग करते हैं। यही आवाज आती है क्या हाँ। अगर नहीं आवाज आई तो यही जमाने के लोग उस बच्चे को पकड़ करके उसका पैर ऊपर करके पीछे से मारना शुरू करते हैं, जबरी मरवाते हैं। वो बच्चा कहता क्या हाँ। ये समय तो डॉक्टर आए लोग खाली बजावे नहीं। छोटा सा बच्चा ईश्वर से करार करता है, मैंने कहा आपसे वादा किया था, ये सब झूठ है, ये माया ठगी अपने जाल में बजा लेती है। जब जाल में बजा ले तो होला का बाबू एक लाइन जीत लेगा। मेरा सर कसा नहीं,
जाओगे कुछ कोई लेकिन इल्मा काहे भैया लोग यहाँ एक दूसरे की उंगली बड़ा जल्दी उठावलन एक कोई नहीं कहता कि मैं गलत हूँ। लोग यही कहते कि आप गलत हैं, 100% गलत है। का सवेरे ढोलक हरमोनिया छोड़ गए मुखा तो से हमारे हारिए ठीक ना। हाँ ढोलक देखो मेरे बाबू, लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं लेकिन एक तीन उंगलियां आपको इशारा करती है। आप एक उठाए आप पर कि आप गलत है और तीन उंगली आपको उठाकर इधर कर रही कि नहीं, उससे तीन गुना गलत तू है। ऊपर से अंगूठा ऐसा ही दाब लई। देखिए आप लोग ऐसे कहते कि आप गलत है तो एक तीनों उंगली के अंगूठा दाब लई उभरे ना दे कि तीन गुना तू गलत हुआ दूसरे के गलत मत बना। वह सही होला जेकरी गट्टा कटल रहला। कौन ये बतावल गई बाबू, कहानी का यही से शुरू हो गया। कहानी कहाँ से कैसे लिख गए मास्टर आया। पांचों पांडव साथ में रानी द्रौपदी जी पर्वत पर गले बदे चल रहा। अर्जुन नकुल सहदेव भीम बारी बारी से गईलन पर्वत पर गल गईलन। रानी द्रौपदी भी गल गईली। नंबर आये युधिष्ठिर जी के जेके लोग धर्मराज कहेला। वह द्रौपदी की साड़ी पकड़ कर रो रहा था। इतना तो कल्पना करा ला ना तुम्हारे दहिने जरे ले यहाँ से भैया। हाँ देखे ये भेजती जी पर्वत पर चवल चल जाते हुए भेजती जी गलत नहीं खी बड़ा कले यार पूरे परिवार के लोग इस पर्वत पर गल गए। आखिर कार में मैं क्यों नहीं गल रहा हूँ। तब तक देखिए एक आकाशवाणी होती है एक आवाज आती है। कौन सी आवाज है? एक लाइन गीत लगल बा लड़का बा बड़ा मन सराहन बा लड़का। अब कोनो लड़की बम्बई से आ गई देहात में। ओ हो
बार कटू ले बा चश्मा लगे ले बा तनी कद छोट रहल जातु भैया अपने तो जात हुआ बढ़िया कहे लेकिन उनके सान मार के कहा ले जात हुआ आपके व्यवस्था भी अपने घर आ गई है उनके चारपाई के व्यवस्था रही तब कहा गई है उन्हें व्यवस्था अपन काम चला ले हो आवा बैठा 10 मिनट फिर जाइ बात पर गौर करो बाबू और लड़का लड़की के देख के बोली बोलस कहा बोलत रहो गजभार के गुजारिया गजा पिसार हो जा रही है इधर उधर देख रहे हैं कि आवाज आखिर कहां से आ रही है मुझे क्यों नहीं पर्वत पर गलना है तब तक एक आवाज हो आती मेरे बाबू फिर आप ध्यान लीजिएगा बाबू युधिष्ठिर जी सोचे थे तब तक पुनः दूसरी आवाज आ गई आप नेक इंसान हैं नेक काम किए हैं भक्ति भजन और उपकार किए हैं लेकिन थोड़ा सा चूक हुई आपका अंगूठा नीचे गला हुआ है तब तक मेरे बाबू इतने में ही अच्छा भैया सट्टा लिखो हुआ ए भैया सट्टा लिखो हुआ अभी 10 मिनट के बाद लिखैया एकदम हम बहुत छोटे कदर लगी रहा साल लिया एक विमान आयल बा अयोधेश्वर जी विमान में बैठे गए बाबू तो भयं का मास्टर गीत बदल गया नहीं के उम्र के ख्याल हो बुढ़िया में माता जो बुढ़िया भर्ती से 15 रुपया का पुरस्कार के सम्मान के लिए बहुत बहुत काम पेंट करे कौन चीज के पेंटर हुआ भैया इनके धीरे से आके बता दिया ना करके इनका मोबाइल नंबर लिख लिया वहीं पर बता दिया लेकिन बिहार पर ध्यान दिया बाबू भाव करो मिस्टर वही रहा अभी से रहवा का I'm
ओही समय हम गयले है त हमार फायदा भेलो हमें से न गावे थिला कि हमार फायदा न है भट्ठा से धुआं निकलत है तब बंद हो गेलो। हां ए अब यो देखिर जी बाबू जब स्वर्गलोक में गइलन तो आए वो सिंहासन मिलन सिंहासन अब बड़ा प्यार दुलार सम्मान होत बा अरे इस सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठ गए धीरे धीरे जब कुछ देरी भर तो युधिष्ठिर जी कहलो कि ये तो स्वर्गलोक है थोड़ा मैं स्वर्गलोक का नजारा देख लू। युधिष्ठिर जी कुछ दूरी तय गई पालन के दुकान है ये नहीं है देखल दू गो डर एक राइट साइड एगो लेफ्ट रहन मतलब लेफ्ट राइट हाँ मतलब दाहिने और बाएं दो गो डहर दो गो रास्ता मतलब सोचल कि चलिए काम करी जब पकड़ लिया जाए चली पहले हम अपने राइट साइड चलना अपने पहले दहिने साइड आज कुछ दूरी तय करियन तो एक गो बहुत बढ़िया कोठरी दरवाजा बंद रहल हल्का से युधिष्ठिर जी दरवाजा के खोलन तब तक बाबू एक आवाज आने लगी बचा लो बचा लो हमें बचा लो बचा लो बचाओ बचाओ की आवाज युधिष्ठिर जी हल्का से सही पैर अंदर डाल दलन अब देखो तो वहां का नजारा तो एकदम सब मरे पुतारू हो गए कोई का हाथ कटल कोई का गर्दन कटल कोई का सर फूटल कोई का कमर टूटल मतलब सबके सब रोगी रहने चेतना लोग रहे सब पीड़ित मरणासन निकल जा। हाँ तरी सुन लेना की का कहत हुआ आप देखेगा देखना यार कैसा है तो स्वर्गलोक लेकिन यहाँ लोग इतने पीड़ित हैं सिर्फ हाथ गोड़ हिला रहे हैं दरवाजा के बंद करन युधिष्ठिर जी दरवाजा के बंद करन आइलन अपने बाएं तरफ अच्छा बाएं तरफ आइलन तो सेम सिचुएशन हुए बा सेम टू सेम कोठरी और दरवाजा के जब खोलन देखा था महाभारत के भी रहा चालू हो मार लो खुशहाल मिले थो कोई हंसा था कोई बोला था बतियावा था गावा था बजावा था खाता पिया था मौजा था मतलब हर सिस्टम यहाँ चालू हो एकदम सब लोग प्रसन्न बा युधिष्ठिर जी दरवाजा के बंद करन आइलो वही सिंहासन पर बैठलो दाते तरंगुरी दाब लेलन कहे ए स्वर्गलोक है यहाँ मैंने दो कोठरी देखा एक में लोग इतने पीड़ित एक दूसरे कोठरी में इतने खुशहाल इसका मतलब यमराज जी के बुला लकले उठो कम हियर इंग्लिश चले दे हल्का उस समय इशारा कर लेनी इधर आइए यमराज जी आ गई कल सरकार यहाँ मैंने देखा दो कोठरी ये तो है स्वर्गलोक लेकिन एक कोठरी में लोग इतने पीड़ित दूसरे कोठरी में इतने लोग खुशहाल इस कोठरी का मतलब क्या हुआ तब युधिष्ठिर जी यमराज जी युधिष्ठिर जी से कहा बताओ थो मास्टर साहब एक क्या रुपए का पुरस्कार वंशु यादव गोला के धरती से बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही कहना वो मास्टर चौरासी के लिए के छोड़ पाँच के ऐसे है शनिराबाद चौरासी के लिए सौ के छोड़ पाँच के ले जाइ है कहरवा कर छित जल पानो गगन समीरा पांच तत्व से रचित शरीरा कर सरकार कोई बुझनी मत बुझावा अरे बारह तेरह छब्बीस सोलह पच्चीस बनेगा अभिरंग गुलाब तीस बनेगा तीन चार जबकि तेरह की छिड़की आप तेरह बयासी के टूटे ना खो जाएगी असल किताब सांसद में क्या जवाब दोगे उत्तर मांगेंगे नवाब रिश्ते भी करो सरकार उल्टी सीधी गिनती हमके मत गिनवा एक तरफा से लिया हमके एकदम सही क्लियर बता दे कैसन कोठरी बा युधिष्ठिर जी सोचे लगना अब क्लियर कैसे करी
सॉरी यमराज जी सोचे लग रहे, यमराज के लोग जानत हो ना भगवान का दूत, कल हम कैसे के सही करी, कल ठीक बा। तब यमराज जी युधिष्ठिर जी से देखा कैसे बतावत हो कोठरी का कारण मस्त एगो गीत लगल बा। गलत बात है, हाँ ये सही है, गलत है भैया, समझ जा बहने दिनों में हो। देखा गीत में कितना बढ़िया भाव छुपा है। ये महाभारत में रामायण गीत कैसे आ गए? काला की राम वहां कैला जौन सीता जी का इच्छा कि सीता जी उनके लिए तेरी बता दा अपने तलाक चरम किया रहरिया चाहिए सबके पतिव्रता में हरिया। सीता उहे कैली जब राम जी का इच्छा मर्दों के होके चाहिए अग्नि परीक्षा। छिनरन के छूट बा छूत बा छिनरिया चाहिए सबके पतिव्रता में हरिया। मेहरारू सबके कैसन चाहिए? एक नंबर वाली एकदम पतिव्रता नारी बाबा। एक जने सुहाग रात बनावे गेला पता कैसे? सुहाग रात? हाँ हो सुहाग रात। वाह सुहाग रात का हो ले हो देख ले चोतिया सारे के। अब भैया इनसे मिला सुहाग रात न जाने थो एकर सुहाग रात एकर बाबू मना ले रहे हैं कहे भैया ऐसे बोलत हुआ अरे जो सारे विरांत हैं ऐ देखे सबके नारी चाहिए पतिव्रता लेकिन मैं बताती हूँ बाबू ये गलत बात नहीं है। पहले आप राम बनिए, आप राम बनेंगे तो सीता को जरूर पाएंगे और रहीम बनेंगे तो हनी फिरीद को पाएंगे। श्याम बनेंगे तो राधा को जरूर पाएंगे। आसाराम बनेंगे तो सिल्फी को पाएंगे। राम पल बन मत राधे माई के पैदा भैया लोगन हम कौन बनी कि आप पहले राम बनिए कहने का मतलब। अच्छा बैठ जाइए ठीक है ठीक है। अगर आप बैठ जाता तो पूरी पब्लिक संतुष्ट हो जाता सब पे अकेला भारी होगा। उन बनारस इसमें पागला बनारस में आ गया कहा अरे सबके मत बोला इस बनारस की धरती जहाँ पाठक लोग यहाँ वाला यो कहीं सही ले लगा तुम हाँ यो कहीं सही ले लगा तुम चाइना पीस हो पाप पर गौर करो बाबू इसलिए बताया जाता है। देखा इनके कहने पर बुरा मत मनिया लोगों हमारे बात ही पर ध्यान दिया इनकर बात भाई काट कर दिया। अगर कुछ भी बोला तो हमके दर्द भी होता लेकिन आप लोग हंसी देते तो हम भुला जाते ना इनके कॉमेडी बा। अब भैया 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 जोड़ा सब अच्छा कुर्सी में हाँ
कुर्सियों में तो तुम्हारी है, राष्ट्रपति शासन लग गया योगी जी गई ले राष्ट्रपति शासन लग गए एक घंटा खाती नहीं आप पर ध्यान दो बाबू भैया भैया अब ने कर युधिष्ठिर जी से यमराज जी कहे सरकार थोड़ा सा हमारे पास सुना कि कैसन कोठरी बा, कैसन कोठरी बा आप लोग भी ध्यान दिए कौन मास्टर अच्छा दिन यहाँ आई तो पर हिसाब लिखल गई और जब हिसाब में कमी मिली तो के नरक वाली कोठरी मिली, बढ़िया कर्म करी स्वर्ग के कोठरी मिली। काले की अच्छा सरकार ये बताइए कि अगर पाप पुण्य दोनों बराबर हो गए तब तब युधिष्ठिर जी कहल क्या कलम ऐसे सा नदी में दौड़ा दी हल गई, ये पार हो गई ओके सुरक्त कोठरी मिली, अच्छे वही नदिया में रह गई ओके नरक का कोठरी मिली। अगर गैया पोसिए टूट गई तो हम कह जानी नहीं बताई तो बह जाई, अगर अगर स्वर्ग बीमारी हो गई तब आप कौन की सरकार। अब देखा लगत ना कि हम परसों डॉक्टर है ना कुल बता दी जाके कोनो डॉक्टर से पूछ लिया ठीक ना। ये रिश्ते जी कारण कि सरकार ठीक बा आपका बात तो बढ़िया लगल लेकिन रिश्ते जी का हल्का सा निगहिया इससे ऊपर चल गई। मतलब वही ठीक है देखो थोड़ा कि स्वर्गलोक में वो तराजू कलर तराजू बेकार कर लिया
कला सरकार यही पर पाप पुण्य तौला ला कला सही कोई बाहर छोड़ा हमके एक बात ही बताला कि मृत लोक में के कैसन काम करेला तो ऊपर आने के बाद के दंड भोग मिलेला। तो थोड़ा से गौर करेंगे विराह के सुनने वाले भैया बाबू लोग, मृत लोक में जो लोग गलती करते हैं और युधिष्ठिर जी से यमराज जी बता रहे हैं कि यही दंड भोग मिलेगा। कुछ सात बात बतौल कुछ बात मास्टर हाँ कुछ मास्टर बोले क्या चला आ जा कहलन सरकार से अपने औरत के बजाय दूसरे के औरत के ऊपर गलत निगाह से देखी, गलत संबंध जोड़ी। जब तक धरती पर रही बड़े आराम चैन से बिताई, खूब मजा ले थी। लेकिन यहाँ ऊपर आने के बाद ऐसा हरकत में जे पावल जाई ओके खड़े खड़े बदन से चीर दिहल जाई और नरक वाली कोठरी में रख दिहल जाई। जो झूठ बोल के सारा काम बनाई ओकर जुबान काट लिहल जाई नरक वाली कोठरी में रखल जाई। जे सुंदर स्वच्छ औरत कोठा पर जाई कोठा पर धंधा करी ओके खड़े खड़े आगी में झुलसा दिहल जाई और नरक वाली कोठरी में रखल जाई। अजय अपने जिगरी दोस्त के साथ धोखेबाजी करी, जरूरी हो धोखेबाजी करी ओके लोहे का चना दिहल जाई चबाए बदे। तब युधिष्ठिर जी का दिमाग कुछ काम कर लिया, खाली मर्दन खादन कुछ सजा है वहाँ मर्द गलती करे तो नहीं सजा। अच्छा आप बोला सही सही बात है, ऐसा हो सकेला कि आप लोग कहा कि उजाला नारी पक्ष के बड़ाई कर थी पुरुष पक्ष के आपको दिन बुराई ना खेलू मैं हर रात भर में। लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं कि हमारे एक अलग क्वालिटी हो, जो सच्चाई रहेगा वही कि हम बोली ना इनकर अलग क्वालिटी खाली मर्द के बुराई है। यहाँ मर्द के बात वहाँ मर्द के, जहाँ मेहरारू के बात मेहरारू के, तोरे ही दिमाग का फेर हो समझत ना हुआ इकलन की मेहरारू के सजा हम बताओ बनी न हो चाहे नारी न हो चाहे नारी सब लोग बा नारी, आप भी नारी आपके घर वाली भी नारी। अब आप लोग सोचबा आप लोग यह सोचबा कि मान तो पुरुष बनी
लेकिन नारी कैसे उजाला हमन के बता डाले, कुछ लोग कंफ्यूज हो जी बाहवा तो कहे करो सब। ए नारी आप कैसे है, ए आत्मा रूपी दुल्हन, ओ परमात्मा रूपी दुल्हा, सबका मालिक एक, चाहे आपकी आत्मा हो, चाहे आपकी मैडम की आत्मा हो, माई का आत्मा हो, बहन का आत्मा हो, सबका आत्मा जब यहाँ से जाने बाबू तो नारी के ही रूप में जाती है, यहाँ सजा बराबर मिलती है। दोनों पक्ष जाते हो भदेसर हो। हाँ वहाँ लोग दो बन के ना जला की मेहरारू जाता ही मरा जाता देखे, अब तो तार कंफ्यूज निकल गए ना। हाँ बढ़िया से दिमाग के फ्रेश कला, अब आप पर गौर करो बाबू, लेकिन आज के जमाना का हो कोनो मेहरारू बाबू 50 साल का सूट सलवार मॉडल में पहन लेने वाला, तब तो उनके मोटरसाइकिल पे ले भाग जाए क्या। अब मान लो कर 5 गो लड़का हुआ, अगर वो रोडे पे जाते तेरी बाहर और कटोले व मैया स्टाइल देखते हुआ बढ़िया लिपस्टिक लगाने वाला, लिपस्टिक तो ऐसा लगा ले बा, ऐसा लगा लो बस की लगत बाकी कि भाई साहब चुत्तर पे बल्ला मारल हो, बात नहीं भूलाला कर ले बा, रोडे पर ही अपन जात में दुपट्टा ढही ले बा, दुपट्टा भी ना हो, अब कुछ भी हो लड़का से देखिए आज के कुछ सब लेकर के बात ना करना, कुछ लड़का तो ऐसे अपन नारी के पुलिया पे जवानी बिता दी है, चाहत हो जवानी बिता दे तुम कैसे सात सवेरे सब आठ मारा तुम। हाँ जब लड़की के देखिए स्कूल का टाइम कैसे कहे जाके कहूँ रगड़े शुरू करी है खैनी, और रगड़े प्रगड़ के कह भैया अच्छा करो लड़की के देख रहा करो की अरे यार देख कोनो माल हो तो आओ तो बाप 50 साल का बेचारी कहो ओहो क्या माल है, ऐसा ही हाथ रगड़ी है कहो क्या गजब का माल है, क्या कमाल है, क्या इसकी चाल है, क्या घुघरारे बाल है, क्या कमाल है, मतलब पसीना फेंका था मन में अक्सर मासक चले लगल कहो का गोली गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट करके तरी आगे गए ना अमूर के देख लो सारे तो मौसी समौरिया हो रही है निशाना फेल हो गए, तो ये नहीं बतौलन कि ऐसा हरकत में जब पावल जाई ओकर संग है गलत काम जरूर होई, यहाँ आने के बाद दंड भोग मिली, लेकिन अब युधिष्ठिर जी घबराए लग रहे भैया हमारा आखिरी गाना है, अब वहां से भोजपुरी अब सुन लिया वो एकदम परेशान हो गई आप लोगों से, युधिष्ठिर जी कैलन का मास्टर तो झटके में आ जा आ जा आ जा आ जा कोठरी में कर देते हैं, आखिरी हमारा कहना मैनेजर साहब